हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे हम बेल का शरबत, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और मैं इस बेल से दो तरह का शरबत तैयार करूंगी, तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम इसे तोड़ लेंगे। ये बहुत टाइट फल होता है और ये देखिए, इसमें से ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, एक स्पून की सहायता से इसका पल्प अलग कर लेंगे। अगर आप चाहें से ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब हम इसमें एक गिलास पानी डालकर 5 मिनट के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसे मैश करेंगे तो मैश करने में आसानी रहेगी। और अब हम इसको मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों की सहायता से भी मैश कर सकते हैं, बस आप इसे मिक्सी में ना पीसें। मिक्सी में पीसने से क्या होगा, जिसमें बीज होते हैं वो कड़वे होते हैं और इससे हमारा सारा जूस कड़वा हो जाएगा। 5 मिनट पानी डालकर रखने से ये आसानी से मैश हो जाता है। और अब हम इसको छान लेंगे। आपको पता है ये फल बहुत ठंडा होता है और ये हमें ठंडक देने का काम करता है, डायरिया में तो बहुत फायदेमंद होता है। अब हम इसको छान लेंगे और इसके बीज में अभी और रस है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सारा जूस निकाल लेंगे। ये हमारे किसी काम का नहीं है तो हम इसको फेंक देंगे। अगर आप चाहें से ऐसे भी यूज कर सकते हैं, पर हम इसे और थोड़ा सा टेस्टी बनाएंगे, इसलिए इसको मैंने दो भागों में बांट लिया है। पहले हम बनाएंगे बेल का शरबत। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं, 1 छोटी चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना जीरा और आधा नींबू का रस। गर्मियों में सबसे ज़्यादा डर हमें लू लगने का रहता है, तो मैंने इसमें सब वही चीज़ें डाली हैं जो गर्मियों में हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे भुना जीरा, काला नमक और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है और नींबू। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें चीनी आसानी से मिल जाती है, ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और अब हम इसको सर्व करेंगे। मैंने इसको आइस क्यूब के साथ सर्व किया है और हमारा बेल का शरबत बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे बेल का शेक। ये पीने में बहुत स्वाद लगता है। अब हम इसमें भी ऐसे ही 1 चम्मच चीनी डालेंगे और मैंने इसमें डाला है 1 कप दूध और कुछ आइस क्यूब। अब हम इसको चला लेंगे और हमारा बेल का शेक बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं और अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अब हम इसको सर्व करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।